अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। सुबह की भागम भाग में आपको बनाना हो या बच्चों को टिफिन में देना है तो ये बहुत ही एक्सीलेंट रेसिपी है, आपके बहुत ही काम आएगी। तो आइए सीखते हैं अपनी बहुत ही इजी रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप लाइक की बटन प्रेस करना एकदम ना भूला करें। तुरंत मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने ब्रेड से बनने वाले बहुत ही इजी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कप सूजी ली है। अब हम इसमें लेंगे आधा कप दही और इसको लेके हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर एकदम सूखा हुआ हो गया है तो हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी लेके ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे हमें बहुत गीला नहीं बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। 1/4 स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और इसमें हमें ऐड करनी है वेजिटेबल्स ढेर सारी, जिससे हमारा ये नाश्ता बहुत ही न्यूट्रिशियस हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो एक छोटी प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया था, एक छोटे टमाटर इसे भी मैंने बारीक काट लिया था, एक छोटी शिमला मिर्च इसे भी बारीक काट लिया था, ये भी ऐड कर देंगे और एक गाजर है उसे आपको ग्रेट करके ही डालना है, काट के नहीं डालना है। और गाजर एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तभी आप यूज करें। एक हरी मिर्च इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, तीखा पसंद हो तो आप और भी ले सकते हैं और बच्चों को देना है तो आप एकदम इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेके हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देने हैं। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से लेके मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कि सूजी अच्छे से हमारी फूल जाए, सेट हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है तो सूजी हमारी एकदम अच्छे से फूल चुकी है और ये एकदम परफेक्ट है हमारे ब्रेड पे अप्लाई करने के लिए। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ज्यादा सूखी है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी लेके ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने ब्रेड स्लाइस ले ली है और इसमें कम से कम आपकी 8 से 10 ब्रेड स्लाइस तैयार हो जाएगी। तो ले लिया है हमने ब्रेड, अब इस पे हमें अप्लाई कर देना है। खूब अच्छे से आप अप्लाई करें पूरा फैला के। बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छे से इसको स्प्रेड करें। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इस पे अप्लाई कर लिया है ब्रेड पे ये सारा मिक्सचर कि ये अच्छे ये हमारा फिलिंग भी हो जाए। और ऐसे ऐसे करके आप अपनी सारी ब्रेड तैयार कर लें। मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें हम बटर लेके ऐड कर देंगे। ये आप रेसिपी बटर या देसी घी में ही बनाएं, उसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको लेके अच्छे से स्प्रेड कर दें। देखिए जिस साइड से मैंने सूजी का बैटर लगाया था उस साइड से आपको ऐसे करके इस पे डाल देना है कि ये अच्छे से सिके और इसको धीमे आंच पे हमें सेकना है कि ये सूजी जो है आपकी अच्छे से अंदर तक पक जाए। और इसको आपको स्पैचुला से लेके प्रेस भी करते रहिए हल्के हाथों से, बार बार ना करें, 1 से 2 बार बस प्रेस कर दें और धीमे आंच पे इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें। दूसरे साइड से भी मक्खन लेके अप्लाई कर देंगे ब्रेड पे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको टर्न करूंगी। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है पकने के लिए और मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया था, इस वजह से इसका कलर थोड़ा रेडिश है। मैं इसको इस साइड से थोड़ी देर और पकने दूंगी क्योंकि सूजी मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से पकी नहीं है। तो इसको प्रेस करते रहें और इसे पकाते रहें। अब ये देखिए ये अच्छा कलर इस पे आने लगा है तो अब हमने इसको पलट दिया है और दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में गैस की फ्लेम एकदम लो रहेगी। अब इसे हमें लेके उलट पलट के 1 से 2 बार थोड़ा लेके हमें क्रिस्प कर देना है आगे पीछे से और ये हमारे ब्रेड टोस्ट, रवा ब्रेड टोस्ट बनके तैयार है। ये देखिए अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अपना दूसरा ब्रेड तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी ब्रेड भी तैयार कर लेंगे और सारी ब्रेड ऐसे ही तैयार कर लें दोनों तरफ सेक के।
ये देखिए हमारे सारे ब्रेड टोस्ट मैंने बना के, रवा टोस्ट बना के अपने तैयार कर लिए हैं। अब इसे आप बच्चों की टिफिन में दीजिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में दीजिए या शाम को चाय के साथ एंजॉय करिए। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज्यादा सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आप चाहे इसे किसी भी शेप में बना काट सकते हैं, जिसमें आपको देना हो अपने गेस्ट को या आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो उस शेप में आप डिजायर्ड शेप में इसको काट भी सकते हैं।